हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले बड़ों को मेरा नमस्ते, छोटों को मेरा प्यार। जैसे कि आप सबको पता है, आज भाई दूज है। सबसे पहले मैं आपको भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रही हूँ। सबका भाई दूज हैप्पी रहे, खुश रहो, मस्त रहो। और आज मैं जा रही हूँ अपनी माँ के घर पे भाई दूज मनाने। तो चलो चलते हैं भाई दूज मनाने। कैसे मनाते हैं और इन्जॉय करते हैं, मिलते हैं अभी। सफर में हम पहुंच गए हैं पैंट रोड पे। यहाँ पे लगती है संडे की पैंट और हम आते हैं संडे के बाजार सब्जी लेने। तो ये आगे जो जा रहे हैं भाई साहब, ये ले जा रहे हैं ज्वार, गाय भैंसों के लिए घास ले जा रहे हैं। मतलब देखो यहाँ का नजारा कितना खूबसूरत है, पेड़ पौधे हैं यहाँ खूब सारे, तो अच्छा है। यहाँ पे जल्दी ठंड भी आ जाती है। तो आज हमारे साथ एक नए मेंबर जा रहे हैं हमारे साथ हमारे घर पे। तो ये है नए मेंबर कार्तिक। कार्तिक हेलो बोलो। हेलो। और ये है आयुष। आयुष भट्ट हेलो तो बोलो। आयुष नहीं बोलते, ये शर्माते हैं। वैसे तो खूब मस्ती करते हैं लेकिन अब नहीं बोल रहे। अब हम पहुंच गए दिल्ली रोड, दिल्ली मेरठ के लिए जो रोड जा रही है उस पर पहुंच गया हम। और ये चल रहा है एनएलटी का काम, ये बड़े बड़े पिलर बना रखे हैं, इनके ऊपर लगेगा अभी पुल। काम चल रहा है, अभी स्पीड में चल रहा है काम, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है और अगले साल तक शायद कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर नीचे जो रोड है इसमें भीड़ भाड़ नहीं होगी, आराम से लोग बाग अपना सफर कर सकते हैं। ये है सोप्रिक्स मॉल, हमारे एरिया का मॉल है। और हम अभी यहाँ ज्यादा बार तो आए नहीं है, दो चार ही बार आए हैं, तो अच्छा है अंदर से, बस हो गया। आज बाजार में देखो बहुत भीड़ हो रही है, कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं, ट्रैफिक लगा हुआ है क्योंकि आज है भाई दूज और लोग बाग आ रहे हैं जा रहे हैं अपने घर। अच्छा लग रहा है, सबको जाना चाहिए, आना चाहिए। और ये तो त्योहार सबका हैप्पी हो, खुश रहे हैं सब, सबके भाई बने रहे हैं। ये देखो जी यहाँ पे लग गया ट्रैफिक, मींस जाम बहुत तगड़ा वाला, पता नहीं कितना लंबा है। अब बच्चों बैठे रहो, आगे तो जाम मिल गया बहुत तगड़ा वाला, आराम करो। अब नींद आ रही किसी को तो सो जाओ। वैसे ज्यादा लंबा सफर नहीं है, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। आयुष हो गया, आयुष नाटक कर रहा है, ये देखो है ना। कार्तिक कहाँ जाएगा, मामा के यहाँ जाएगा कि हमारे साथ चलेगा? देखो अभी अब खुल गया जाम, तो अब चल रहे हैं हम, आराम आराम से बढ़ रहे हैं आगे। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि जिससे जाम लगा हुआ था क्या कारण था। ये देखो ये ट्रक आ रहा था, इतना बड़ा ट्रक देखिए वो दिख रहा है सामने। ऐसा बनेगा मेट्रो का पुल जिस पे मेट्रो चलेगी, ब्रिज, हाँ जो भी हो, ब्रिज हो पुल हो, ऐसा बनेगा। ये देखो इस पे आएगी फिर ट्रेन। और ये देखिए सामने है अमर उजाला अखबार। ये है काइट इंटरनेशनल स्कूल, देखिए कितना बड़ा है। देखिए दोस्तों ये है गुरुद्वारा, शायद आज यहाँ शादी हो रही है, गुरुद्वारा सजा हुआ है देखिए। ये देखो गाइस
हम पहुंच गए हैं। ये है मेरी दीदी और ये है रूही, ये है गौरी, दीदी की बेटी हैं। ये झाला लगा रखी है। ये देखो रूही लगी है फोन पे। रूही ए रूही हाय तो बोल दे। रूही 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 मेरे फोन में लगी हुई है। देख गौरी कितनी सुंदर लग रही है। गौरी देखो दोस्तों ये है मेरी भाभी, प्यारी सी भाभी। देखना इन्हें लग रही है ठंड। क्यों भाई सोल क्यों उड़ रखी है? आ रहा है बुखार। बुखार आ रहा है और दो दिन से इनको बुखार आ रहा है। आ, क्या बना रखा आज इसमें हमारे लिए? दाल चावल। दाल बना दी? के दाल बनाई? मिक्स दाल बना रखी। अच्छा कुकर में भात बना दिया और? अच्छा और स्पेशल डिश कुछ? ये क्या धनिया? अच्छा ये दाल में डालने के लिए था। दाल बार। अब हम बैठे मंदिर में और हम सुन रहे हैं भाई दूज की कथा। तो आप सुनिए, आनंद लीजिए। दोस्तों ये है मेरा भाई, एकलौता भाई है हमारा, चार हम बहन। देखो ये दीदी टीका कर रही है। ये मैं भी आ रही हूँ जरा। ये देखिए ये है गिफ्ट दिया दीदी ने, धोती है, पट्टा है। और ये है भाभी, आज ये हो रही है डाउन इनकी हो रही है तबीयत खराब, बुखार हो रहा है इन्हें। चलो कोई बात नहीं, बुखार भी होता है। आजकल मौसम ऐसी हो गया ना, दिन में गर्म और सुबह शाम ठंडा। अब बेचारी को जल्दी उठना पड़ता है इसलिए ठंड लग गई। ये हो चुकी हैं, मतलब ये मामा को टीका कर रही हैं। आज भाई दूज है और वो हमारी मामी हैं। मामी को कह रही है। ये हमारी मतलब हमारे एक ही मामा हैं और एक ही मामी हैं और पांच बहनों, चार बहनों की एक ही भाभी और एक ही भैया है। अब गौरी कर रही है उसका टीका। अरे ये एक लड़का बैठा है ना, थोड़ा सा शकल दिखाने दे। बहुत गोरा लड़का है ये देखो। गोरा नहीं है ये, कल्लू है। कल्लू देखो भाई, ये है लाडली। ये हो रही है गुस्सा। रुई क्या हो गया? इसको अपने भैया पे टीका करवाना है। टीका करवाना है? सबसे पहले रोई ने करवाना था। रोई ओहो अरे बैठ यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों अब होगा चाय नाश्ता। और ये है चाय, और ये है पकौड़ी, और ये है मिठाई, और ये बर्फी। इसे मीठा तो खाते नहीं है हम तो वैसे। हाँ ये देखो अब करेंगे नाश्ता। ये देखिए दोस्तों ये है मम्मी के घर के आसपास का एरिया। देखिए तो चलिए दोस्तों अब मैं एक खास इंसान से मिला रही हूँ आपको, जो हमारी लाइफ का सबसे खूबसूरत तोहफा है। तो मिलाती हूँ मैं फिर आपको। देखिए ये है खूबसूरत तोहफा, ये है मेरी माँ। माँ हाय बोल। हाय बोल। हाय। ये मेरी मम्मी, बहुत अच्छी भोली भाली मम्मी है मेरी। ये बहुत अच्छी मम्मी है। माँ तो सबकी अच्छी होती है, सबसे अलग होती है, सबसे निराली होती है, सबसे प्यारी होती है मम्मी, है ना? कितनी अच्छी है तो कितनी भोली है तो कितनी प्यारी है। ओ माँ ओ माँ। ये है मेरा डॉगी। तो चलो गाइस अब घर जाने की तैयारी कर रहे हैं और अब बच गए 6 तो अब घर भी जाना पड़ेगा। वैसे तो माई जैसे घर जाने का मन तो करता नहीं है पर जाना ही पड़ेगा, क्या करें। वहाँ पे भी जाना है, होटल कुट महल। तो चलिए दोस्तों अब हम पहुँच गए हैं घर और आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो, अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ मैं अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हेल्दी रहे, खुश रहे, मस्त रहे और चलो फिर बाय बाय। बाय करो। बाय बाय प्रो।